हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों अभी मानसून सीज़न स्टार्ट है और मानसून सीज़न में आप लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन होता है। तो इस रेनी सीज़न में दोस्तों हम जो गार्डनर्स होते हैं या फिर अदर लोग हैं जो प्लांट लवर हैं, अगर उन लोगों को हिबिस्कस की कटिंग ग्रो करना है तो उनके लिए बेस्ट सीज़न होता है। पूरे साल में अगर बहुत लोग होते हैं कटिंग ग्रो करते हैं हिबिस्कस की बट नहीं लगती है, लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँ तो ये रेनी सीज़न दोस्तों आप सभी के लिए बेस्ट सीज़न है। तो जो भी कटिंग आपके गार्डन में नहीं लगी है इनमें आप ज़रूर ग्रो करें, 100% आपकी कटिंग लग जाएगी। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना ताकि जब मैं इस तरीके की वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों रेनी सीजन में हम आप लोगों को बताएंगे हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग। जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं दोस्तों उसमें आपको मल्टीपल कलर मिल जाते हैं और क्या कहते हैं आपको वैरायटी भी मिल जाती है। और हाइब्रिड में बता दूँ तो सिंगल पेटल भी आते हैं और मल्टीपल पेटल भी आते हैं। तो उनमें मैंने मल्टीपल वाले भी लिए हुए हैं और सिंगल पेटल वाले भी लिए हुए हैं। आप ये जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा हाइब्रिड वाला है। हाइब्रिड की क्वालिटी दोस्तों क्या होती है, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, छोटे ही रहते हैं। अगर उनको हम टाइम टाइम से प्रून करते रहते हैं ना तो और भी घना होता जाता है। और देखिए इसमें इस तरीके से अगर हम नहीं निकालते हैं तो बीज भी बनने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर पोलिनेटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पेड़ लगे हुए हैं, उन पर मधुमक्खी अपना घर बनाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फूल वगैरह खिलती है ना तो रस लेने आते। तो आप लोग को पता है कि पोलिनेटर होते हैं तो अगर किसी भी फूलों पे बैठ जाते हैं तो उनका होता है कि बीज बनना शुरू कर देते हैं। तो फिलहाल मैं कटिंग की बात कर रही हूँ दोस्तों। तो ये सारे मल्टीपल पेटल वाले, एक मेरे पास येलो है वो भी बहुत ही प्यारे लगते हैं और बिग साइज़ में खिलते हैं दोस्तों। तो ये जो रेनी सीज़न है इनमें कटिंग आप ज़रूर ग्रो करिएगा। और मिट्टी कैसी लेनी है, अगर लगाने का तरीका, लगा कटिंग लगाने के बाद हमें कहाँ रखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होने वाली है। तो चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको कितनी साइज़ में कटिंग्स लेनी है ताकि आपके लिए बहुत ही आसान हो सके। तो ये सारी मैंने हाइब्रिड की कम से कम 6 कटिंग्स ली हुई हैं। और रेड का है ये वाला जो देख रहे हैं, ये प्योर जो रिच कलर रेड आता है ना वो वाला है हाइब्रिड का। ये थोड़ा सा जो पीच कलर वाला होता है वो वाला मेरा है। और ये दोस्तों है हमारा क्या कहते हैं येलो कलर, जो बिल्कुल येलो खिलते हैं, ये जो येलो और रेड पेटल में रहते हैं वो वाले हैं। और दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा ये ब्राउन रहता है, अच्छा लगता है देखने में, तो ये वाले हैं। और ये मल्टीपल पेटल वाले जो येलो कलर में खिलते हैं ना वो वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 6, हमारे यहाँ पे 6 हाइब्रिड हिबिस्कस हैं, तो सबकी मैंने यहाँ पे दोस्तों कटिंग ली हुई है इस तरीके से। और यहाँ पे मैं सॉयल दिखा दूँ आप लोगों को, तो ये सॉयल है जो कि मिट्टी है और सैंड है प्लस वर्मी कंपोस्ट है। तो इन सबको मिला के यहाँ पे मिट्टी मैंने दोस्तों बनाई है। पहले बना के दोस्तों मैं रखी रहती हूँ क्योंकि अभी बारिश का टाइम है ना, तो मिट्टी गीली हो गई है तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा। तो अभी तो सबके गार्डन में मिट्टी गीली ही हो गई होगी, तो आप लगा सकते हैं बेझिझक, बारिश का टाइम है आपकी कटिंग लग जाएगी। मिट्टी यहाँ पे दोस्तों मैटर नहीं करता है, बस आप जिस पॉट में लगाते हैं ना उसका अगर ड्रेनेज अच्छा रहेगा तो मिट्टी आप जो आपकी कटिंग होगी सक्सेस हो जाएगी। और फंगस का थोड़ा सा डर रहता है तो उसके लिए हम फंजीसाइड पाउडर का यूज़ कर सकते हैं या फिर हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। जिस आप गमले में लगाते हैं उसका ड्रेनेज अच्छा रखिएगा, आपकी कटिंग 100% सक्सेस हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने ये ली हुई है कटिंग। तो कटिंग की जो पत्तियाँ हैं इनको दोस्तों पहले हमें हटा देना है ताकि जो इनका वेट है ना हल्का हो सके। कलियाँ भी कुछ आ रही हैं, मैंने इस तरीके से कटिंग ली हुई कलियाँ भी इसमें हैं। पत्ती से दोस्तों क्या होता है कि अगर पत्तियाँ रहेंगी तो हवा वगैरह चलती हैं, तो इससे आपकी कटिंग हिल सकती है। अगर कटिंग हिलना शुरू हुई
तो आपकी कटिंग भी ख़राब हो सकती है। तो पत्तियाँ ज़रूर हटा दें, एक दो रहने दें, सारी नहीं हटानी है क्योंकि इनकी जड़ें नहीं होती इनको पोषण देने के लिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो पत्तियाँ आप ज़रूर रिमूव करें। और हिबिस्कस दोस्तों, ये जो टाइम है ना आप, क्योंकि हिबिस्कस बहुत ही कम कंडीशन में ये लगते हैं, और क्या होता है बारिश का टाइम जो होता है इनमें हम अगर ग्रो करना चाहें तो लग जाती है। अगर आप लोगों की कटिंग नहीं लगती है तो कुछ दिन आप पानी में रख दीजिए, जब उसमें रूट आने लगे तब आप इनको कटिंग लगा दीजिए। और जब भी आप कटिंग लगाएं पानी वाली दोस्तों, तो साइड में रखिएगा, क्योंकि अक्सर मैंने भी ट्राई किया है कि जब हम पानी में कटिंग को रखते हैं तो अच्छे से चलती है, लेकिन पानी के निकालने के बाद वो तुरंत कटिंग ख़राब हो जाती है जब हम जड़ में लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। देखिए कलियाँ यहाँ पे आ रही हैं, तो चलिए इनमें हमें पहले फंजीसाइड पाउडर लगाना है। हर एक कटिंग में दोस्तों इस तरीके से फंजीसाइड अगर पाउडर लगा देते हैं तो आपका कटिंग दोस्तों ख़राब नहीं होगा और जड़ें भी जल्दी से निकलने में हेल्प करती हैं। देखिए इस तरीके से, और बारिश में फंगस के थोड़ा सा डर रखता है क्योंकि ऊपर वाटरिंग कंटिन्यू बारिश हो रही है, पानी अगर गमले में रुक करेगा ना तो जाहिर सी बात है पौधा हमारा ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। वैसे मैंने बहुत सी कटिंग लगाई हुई है गुड़हल की, जो कि अभी चल भी रही है, पत्तियाँ बिल्कुल हरी हैं, कंटिन्यू बारिश हो रही है जिसकी वजह से वो चल रही हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कटिंग लगाना है। और मेरी यहाँ पर 6 कटिंग ही मैंने स्टार्टिंग में बताई है, सारी ये हाइब्रिड वाले ही दोस्तों हैं कटिंग। तो फाइनली इस तरीके से कटिंग लग गई है। बारिश जब होगी तो ये सेट हो जाएंगे, बारिश का पानी पाते ही है। जुलाई का मंथ जो होता है दोस्तों, इसमें गुड़हल कटिंग आसानी से लग जाती है। थोड़ा सा इस तरीके से अपनी कटिंग को साइड साइड से दबा दें और मिट्टी हमेशा सैंड की बनाइएगा ताकि दोस्तों कटिंग आपकी लग जाए। तो यहाँ पर मैंने 6 कटिंग हाइब्रिड वाली लगाई हुई है। अगर आप लोग को भी कटिंग गुड़हल की लगानी है तो दोस्तों बेझिझक आप लगा सकते हैं। मैंने और भी कटिंग ग्रो करी है दोस्तों, चलिए दिखा दूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, एक कटिंग यहाँ पे मैंने लगाई हुई है ये वाली, और अच्छे से चल रही है। मैंने कुछ दिन पहले ही लगाई थी, अभी देख सकते हैं अच्छे से पत्तियाँ इसमें आ रही हैं, कलियाँ भी देखिए छोटी सी कली भी आ रही है। तो बहुत आसानी से मतलब ये हिबिस्कस की कटिंग लग जाती है। और भी मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई है, एक ये वाली देखिए, ये मेरा जो देसी वाले मल्टीपल पेटल रेड वाले होते हैं ना, वो वाले हैं जो कि देखिए कली आना शुरू हो गई है। मैंने कुछ दिन पहले ही इनकी कटिंग ग्रो करी थी तो अभी इनमें कली आ गई, पत्तियाँ भी अच्छे से आ है। तो अगर आपको इनकी कटिंग ग्रो करना है दोस्तों, तो अभी बेस्ट टाइम है इन लोगों की कटिंग ग्रो करने की। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग लगाना। अगर आप लोगों ने अभी तक गुड़हल की कटिंग नहीं ग्रो करी है इस सीज़न में, तो बेझिझक अभी ज़रूर लगाएं। और आपके गार्डन में ढेरों सारे जो कटिंग होंगे जब तैयार हो जाएंगे तो फूल देते रहेंगे। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो, नए प्लांट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।